हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ये रीडिंग पैसेज जो आते हैं एंड ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इजी होते हैं, बट फिर भी क्वेश्चंस जो हैं बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। सो देखो एक बेसिक क्या है इस क्वेश्चंस का, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, तो ये समझते हैं हम पहले। सो अगर तो देखो क्वेश्चन जो है ट्रू है, इसमें क्या होगा, हमें जो है लोकेशन काफ़ी इजीली मिल जाती है। मैंने देखा है बच्चे जो है लोकेशन को ढूंढ लेते हैं। देखो एक साइड जैसे हमें क्वेश्चन मिलता है क्लियर पैसेज का, और दूसरी साइड है वही इंफॉर्मेशन पैसेज में, लोकेशन जो कह लो हमें अपने क्वेश्चन की मिली है। सो किस कंडीशन में जो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन ट्रू है, अगर जो भी इंफॉर्मेशन है, सपोज वट एवर द क्वेश्चन इज, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो हमें पैसेज में मिल जाए। देखो ऐसा तो नहीं होगा कि एज इट इज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, सिनोनिम्स में भी उन्होंने यूज किए हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो फैट, यहाँ पे लिखा हो ओबीज, यहाँ पे लिखा हो सपोज ओनली, यहाँ पे लिखा हो सोली, ठीक है। सो ऐसे करके सिनोनिम्स उन्होंने में भी पैसेज में यूज किए हो, या हो सकता है कि यहाँ पे एक क्या है एक्टिव सेंटेंस है और उसी सेंटेंस को विदाउट चेंजिंग द मीनिंग उन्होंने पैसेज में लिखा है, पैसिव सेंटेंस लिखा है। इसकी मैं एग्जांपल बताती हूँ, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज एग्जाम्पल इज शम्मी इज अ फैट बॉय, हमने ये देखना है कि ये ट्रू है फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो पैसेज में मे बी हो सकता है ऐसे लिखा हो, डिफरेंट वे से में लिखा होगा, ठीक है। शम्मी तो देखो नेम है, एज इट इज ही आएगा, फैट बॉय, ठीक है, यहाँ पे है पैसेज में। सो यहाँ पे देखो शम्मी इज अ फैट बॉय, जो शम्मी है वो मोटा लड़का है। शम्मी इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, देखो पहले उन्होंने ना इन्फॉर्मेशन लिखी होगी आपके आंसर में, ठीक है, दो कीवर्ड्स के बीच उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जो आपका जो है डिस्ट्रैक्ट करेगी। सो उसको हमने जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देनी, इनको क्या करना है हमने अवॉइड। शम्मी इज अ बॉय Who is quite obese? Obese मतलब मोटा, ठीक है, fat. So synonyms किए लिखे हैं उन्होंने, question में कुछ different word use किए हैं, passage में कुछ different word use किए हैं, but meaning तो same है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, शम्मी तो as it is ही होगा, name as it is ही आते हैं। So हमें देखो शम्मी भी मिल गया, fat boy भी मिल गया, हमने answer लगा दिया इसका true. That's it. अगर इन्फॉर्मेशन चाहे देखो सिनोनिम्स में लिखी हो, चाहे एक्टिव पैसिव सेंटेंस हो, सो मतलब सेम होना चाहिए क्वेश्चन का पैसेज से, तो आंसर हमारा आएगा ट्रू। यही अगर सेम इन्फॉर्मेशन सपोज फॉल्स की बात करें, वो फॉल्स कैसे आएगा, सपोज क्वेश्चन है शम्मी इज अ फैट बॉय, सेम क्वेश्चन लिया मैंने, तो यहाँ पे पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने लिखा है ऑल द कलीग्स ऑफ शम्मी आर ओबीज बट ही इज वेरी healthy and fit. अभी देखो शम्मी मिल गया हमें, all the colleagues शम्मी के आर ओबीज, यहाँ तक जो बात है वो शम्मी के colleagues की बात है, ठीक है, यहाँ पे होगी उसकी बात आगे, he is very, so शम्मी की बात है, so शम्मी जी मिल गया, is a fat boy, यहाँ पे fat boy है, इसके opposite information लिखी है healthy and fit. अगर जो बंदा हेल्थी है फिट है वो मोटा थोड़ी ना होगा, सो वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, गलत, भी फैट नहीं है वो तो फिट है, ठीक है। सो आंसर आ गया हमारा
फॉल्स। अभी देखो इस एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है फॉल्स वाले क्वेश्चन में। जब भी मैं किसी भी क्वेश्चन को कहूंगी कि ये क्वेश्चन जो है गलत है, तो मेरे पास ना करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि हेल्थी है, फिट है, ठीक है। कुछ जो पोर्शन है, कुछ जो पार्ट है, मुझे क्वेश्चन में से मिलेगा, पैसेज में से मिलेगा, क्वेश्चन का मिल गया। बट फिर मेरा पूरा ध्यान क्वेश्चन से हटके उस चीज पे ही जाएगा जो वर्ड जो है पैसेज में या तो है, ठीक है। अगर देखो एज इट इज है या सिनोनिम्स करके लिखा होता फैट को, तो मैंने ट्रू लगा देना था। बट अगर यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे फैट बॉय लिखा है एंड यहाँ पे है फिट, तो मेरा क्या आ गया, भी ये गलत है। फिट इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सो आंसर विल बी फॉल्स। सो व्हेन एवर यू विल से दिस क्वेश्चन इज फॉल्स, यू विल गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अपने आप को बताया करो कि ये करेक्ट आंसर है। अगर वो आपके पास नहीं है ना करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं है, तो एक बात तो पक्की है कि ये क्वेश्चन जो है फॉल्स नहीं है। सिमिलरली जो नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन होती हैं, इसमें क्या होगा, सपोज क्वेश्चन सेम मैं ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। शमी इज अ फैट बॉय, ठीक है। हाफ इन्फॉर्मेशन जो है, या कह लो कुछ वर्ड्स जो हैं क्वेश्चन के, हमें मिल जाएंगे पैसेज में से, और हाफ इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मिलेगी। सपोज यहाँ पे लिखा है ऑल द कलीग्स ऑफ शमी आर ओबीज फुल स्टॉप। He himself is an intelligent person. So देखो पैसेज में कुछ वर्ड्स हमें मिलेंगे इस क्वेश्चन के, शम्मी मिल गया, शम्मी लिखा हुआ है, ही हिमसेल्फ, ठीक है, शम्मी के बारे में बात है तो मिल गया, चलो ही इज भी मिल गया। फैट बॉय वो मोटा है वो पतला है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ पे अगर मोटा पतला बताया है तो वो किसकी बात है, शम्मी के कलीग्स की। ऑल द कलीग्स ऑफ शम्मी आर ओबीज, ठीक है, ये तो कलीग्स की बात होगी, ये तो हमने अवॉइड करनी है चीज़। ही हिम सेल्फ इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये ना उसके दिमाग की बात है कि वो इंटेलिजेंट है। सो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लेना देना। सो फैट बॉय है, मुझे यहाँ पे पढ़ के पैसेज में से पता चला कि नहीं पता चला, नहीं पता चला। सो क्वेश्चन मार्क, ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं या नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसको ना रॉन्ग कर देते हैं, अगर इनको ये इन्फॉर्मेशन पैसेज में से नहीं मिले। हमने रॉन्ग नहीं करनी, रॉन्ग तो तब होगा ना अगर पास हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन होगी, भी ये गलत है सही ये है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं देखो पैसेज में, ठीक है। सो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वी विल राइट डाउन क्वेश्चन मार्क, सो आंसर विल बी नॉट गिवन, सेफ साइड में रहा करो, ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ का मतलब पता ही नहीं या मिला ही नहीं वो चीज़, मैं कैसे कह सकती हूँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। सो आंसर विल बी सिंपली नॉट गिवन। तो ये एक क्वेश्चन है रीडिंग के पैसेज में से ही लिया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। जैसे अभी मैंने आपको समझाया है, तो ये एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ये है हमारा क्वेश्चन एंड ये है इसकी लोकेशन जो हमें पैसेज में से मिली है। तो आप अगर आप 2 मिनट लो इसको सॉल्व करके देखो, उसके बाद डिस्कशन आप देख सकते हो। अगर आपका आंसर करेक्ट आया तो ठीक है, एंड देन अदरवाइज आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। सो क्वेश्चन पहले हमने जब भी देखते हैं क्वेश्चन को देखना है, उसमें से कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स भी देखो, क्वेश्चन को ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो। जैसे कोकोनट ट्री इज ओनली नेटिव टू अमेरिका, ठीक है। ये जो कोकोनट ट्री है सिर्फ अमेरिका के नेटिव है, इसके हमें कीवर्ड देखो मिल गए। कोकोनट ट्री मैंने रीड नहीं किया, स्कैनिंग करके मुझे मिल गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, लोकल, ठीक है, ट्रीज भी यहाँ पे आ गया। तो अभी हमें क्वेश्चन को पहले लोकेशन मिल गई, ठीक है, ऑलरेडी वैसे लिखी हुई है, जस्ट हम समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को।
अभी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो ताकि आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। कोकोनट ट्री कहते हैं सिर्फ नेटिव है अमेरिका की, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिंस द 19th सेंचुरी कोकोनट ट्रीज वर यूज्ड फॉर वेरियस कमर्शियल एक्टिविटीज। कोकोनट जो ट्रीज हैं कहते काफी यूज किए जाते थे कितने ही कमर्शियल एक्टिविटीज, मतलब व्यापार की एक्टिविटीज में, विच जनरेटेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फॉर पीपल, जिसके कारण लोगों को काफी प्रॉफिट मुनाफा होता था अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। देखो यहाँ पे सिर्फ कोकोनट ट्री मुझे मेरा एक ना कीवर्ड मिल गया, बट बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको जान के लिखी हुई है ताकि आप डिस्टर्ब हो, आपका ध्यान जो है मेन फोकस जो है हमारा उससे हट जाए। तो यहाँ पे देखो आप समझदार अगर हो तो देखो यहाँ पे नेटिव की कोई बात नहीं की, तो मैं इसको क्यों इतना पढ़ के समझूं, मैंने एक बार रीड कर लिया ठीक है, इसको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, इसको हम करेंगे अवॉइड। नेक्स्ट देखो, इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है दैट दीज ट्रीज, जैसे जैसे वर्ड्स मुझे पैसेज में से मिलेंगे मैं उसको टिक करती जाऊंगी। जैसे दीज ट्रीज को किस क्या कहा है उन्होंने, कोकोनट ट्रीज को के लिए ये वर्ड यूज किया है, सो कोकोनट ट्री मिल गया। सो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रीज है तो आर आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली एक ट्री लिखा है क्वेश्चन में तो इज ही आएगा, सो कोकोनट ट्री मिल गया, इज मिल गया। आर लोकल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो ये कोकोनट ट्रीज इज लोकल मिल गया। लोकल को इन्होंने सिनोनिम क्या यूज किया है, नेटिव, ठीक है, लोकल हो सकता है, नेटिव होता हो सकता है वर्ड। सो अमेरिका को उन्होंने क्या लिख दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका भी मिल गया। देखो इस क्वेश्चन को ना काफी बच्चे कह देंगे ट्रू, जो कि गलत है, इसका सही आंसर है हमारा नॉट गिवन। वो कैसे कि देखो पहले तो मैंने क्वेश्चन जो है हिस्सों में डिवाइड किया, इसके कारण क्या हुआ, मेरे जो वर्ड्स तो मुझे पैराग्राफ में से मिल गए आइदर एज इट इज लिखे हुए थे या फिर उसके सिनोनिम लिखा हुआ था, तो मैंने वो टिक कर दिए भी ये तो मिल गए, इसकी मैंने अभी टेंशन नहीं लेनी। सो अभी फोकस रेदर देन कि मैं पूरे क्वेश्चन पे करूँ, देखो कोकोनट से लेके अमेरिका तक मैं पूरा ध्यान नहीं दूंगी, अभी सिर्फ उस वर्ड पे ध्यान दूंगी जो मेरा वर्ड मुझे पैसेज में से नहीं मिला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर अपना लगाऊंगी। देखो ओनली यहाँ पे लिखा है कि कोकोनट ट्री सिर्फ अमेरिका के ही लोकल है, सो यहाँ पे ऐसे कोई चीज लिखी है, यहाँ पे ऐसा जरूर लिखा है कि ये जो ट्री है लोकल अमेरिका की, बट ये है कि सिर्फ अमेरिका के ही लोकल है, ठीक है। सो ओनली वर्ड मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिला, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो देखो काफी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे पैसेज में, बट एक वर्ड ना मिलने के कारण मैंने क्या लगा दिया आंसर नॉट गिवन। देखो मुझे ये मालूम हो गया पैसेज पढ़ के कि कोकोनट ट्री नेटिव है अमेरिका के, बट सिर्फ इसके ही नेटिव है ये तो नहीं पता चला, तो सेफ साइड क्या है, नॉट गिवन, हमें नहीं मालूम। अगर ओनली वर्ड पैसेज में होता, चाहे सिनोनिम के रूप में होता, कैसे भी होता, तो सारे वर्ड्स मिल गए थे तब होना था ट्रू, ठीक है। सपोज अगर एग्जाम्पल यहाँ पे है, इट इज बिलीव दैट दीज ट्रीज आर सोलली, सोलली का क्या मतलब होता है, सिर्फ, ओनली, ये सिनोनिम है, ठीक है, सोलली लोकल मतलब ओनली लोकल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये वर्ड भी मिल गया था मुझे नेट ओनली भी, तो सारे वर्ड्स मिल गए थे तब मैंने लगाना था ट्रू, बट ऐसा नहीं है, ये जस्ट आपको कंडीशन बता रही हूं मैं, ठीक है। अगर सपोज फॉल्स किस सिचुएशन में होना था, यहां पे लिखा है ट्रीज आर सोनली लोकल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां पे अगर लिखा है एंड यूरोप, भी अमेरिका के भी लोकल है और यूरोप के भी लोकल है, तो ये तो ओनली वर्ड गलत हो गया ना यहाँ पे फिर, कि नहीं जी सिर्फ अमेरिका के लोकल नहीं है, वो तो यूरोप के भी लोकल है, तो तब आना था मेरा आंसर फॉल्स, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको सिचुएशंस दी हैं, तो हमारे जो है ओनली वर्ड हमें ना मिल नहीं मिला पैसेज में से, तो इसके कारण हमने आंसर क्या लगा दिया, नॉट गिवन, ठीक है। सो ऐसे ही आप सॉल्व किया करो क्वेश्चन को, आप अगर आपको का लोकेशन मिल जाती है तो उसके बाद उसको हिस्सों में डिवाइड करो, जो जो वर्ड्स मिल गए वो तो ठीक है, जो नहीं मिले उसके ऊपर फिर ज़्यादा ध्यान दिया करो, और आपको पता भी चलेगा कि हाँ इस वर्ड को मैंने देखना है या ढूंढना है। सो एक बात और चीज़ देखो ध्यान से,
मैंने क्वेश्चन को जवाब देना है तो मुझे 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और समझ में भी आता है उस टाइम, ठीक है, सो समझ लेते हैं, बट हमने क्या समझना है ये चीज़ देखो, वो मेरे क्वेश्चन पे ही डिमेंड करेगी। ठीक है, सारा पैसेज पढ़ लो ऐसे तो पढ़ने में, ठीक है, समझ आ ही जाएगा, बट द थिंग इज मार्क्स मुझे देने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सो पैसेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इसीलिए है कि वो हमारी मदद कर रही है कि सही आंसर हमें मिले। ठीक है, सो होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर। टेक केयर, बाय बाय।